और सीधे इस वक्त हम अपने सहयोगी दीपांकर का रुख करेंगे। कुछ ही देर में दीपांकर हमारे साथ दीपांकर जुड़ चुके हैं। दीपांकर, इस यूसीसी ड्राफ्ट के बारे में ये कहा गया उत्तराखंड में जो सरकार लेकर आने वाली है कि कुछ ऐसे प्रावधान भी डाले गए हैं जिसमें सिर्फ राज्य स्तर का हस्तक्षेप होता है, यानी कुछ डिसीजन ऐसे छोड़े गए हैं जो हस्तक्षेप सिर्फ केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय जो है वही कर सकता है, और संभवतः ये ड्राफ्ट भेजा भी जाएगा गृह मंत्रालय को और राष्ट्रपति को। अब बिल्कुल इसी तरह की अभी तमाम चर्चाएं हैं, और अब से कुछ देर का जब ड्राफ्ट टेबल होगा तो अब सवाल ये होगा कि राज्यपाल इसमें साइन कर देंगे इस पूरे ड्राफ्ट को, या फिर क्योंकि ये संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और आप जब किसी संहिता बनाते हैं तो आपको राष्ट्रपति तक जाना होता है। तो अभी इसमें तमाम चर्चाएं हैं और विशेषज्ञों में, एक्सपर्ट्स में, किसी का कहना है कि राज्यपाल के साइन के बाद ये लागू हो जाएगा, किसी का कहना है कि राष्ट्रपति के पास भी जाना होगा, और किसी का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति के पास ये मामला तब जाएगा जब इसे देश की संसद में लाया जाएगा। और तमाम तरह की बातें हैं तमाम समुदायों के बीच की, लेकिन इस बातें में से कुछ मुस्लिम महिलाएं, मैं उनसे बात करता हूँ। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आ रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसे? हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने एक समान हमें खड़ा कर दिया, पुरुषों से कंधा से कंधा मिला करके हमें खड़ा कर दिया है। और हम ये चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसी तरह से हम लोगों का साथ देते रहें। आप लोग बुरके में रहते हैं और तमाम तरह की ये बातें कही जाती है कि ये मुस्लिमों को लेके बहस छिड़ी हुई है कि मुस्लिमों के विरोध में कानून, आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मुस्लिमों के लिए कोई विरोध नहीं है। तो आपके यहाँ जो दूसरे थलाला जैसी जो कुप्रथा है, आपको लगता है खत्म होंगी या है वो कुप्रथाएं आपके यहाँ? जी है बिल्कुल। आप क्या मानती हैं? आप मानती हैं कुछ चीजें सुधरेंगी? आप बताइए क्या कुछ चीजें सुधरेंगी? हाँ सुधरेंगी। मेरा तो कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं बिचारी अपने आप को सहारा और डरी हुई महसूस करती थी वो अब खुलकर के सामने आएंगी, और हम कुछ बदलाव देख भी रहे हैं कि जैसे कि हलाला में कुछ महिलाओं को, बिचारियों को कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, अब वो अग्नि परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये महिलाओं का रिएक्शन है, मुस्लिम महिलाओं का रिएक्शन है। अब जब ये ड्राफ्ट टेबल होगा उसके बाद इसमें बहस छिड़ने वाली है, बड़ी बहस ये कि क्या ये सबके लिए एक तरह से कानून लागू होगा, क्योंकि जनजातियों को इससे बाहर रखा गया फिलहाल के लिए जो खबर अभी तक है। तो मुस्लिम समुदाय किस तरीके से लेगा, विपक्ष का क्या रिएक्शन होगा, कांग्रेस का कहना है हमें कुछ बताया नहीं गया। तो उत्तराखंड जो एक छोटा स्टेट है, 13 जिले यहां पर है, 70 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर यह ड्राफ्ट जब आ रहा है तो बहुत सारी बातें इसको लेकर है और बहुत सारी चीजें अब क्लियर होंगी जब ड्राफ्ट पब्लिक होगा। जी बिल्कुल। तो प्रतिक्रियाएं एक एक करके सामने आ रही हैं, और इसी बीच कांग्रेस राज्य सरकार पर यूसीसी बिल को जल्दबाजी में पेश करने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस क्या कह रही है ये सुनिए। हम तो चाहते हैं कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो, बिंदुवार चर्चा हो, और हमें पूरा समय मिलना चाहिए। ये कितने प्रश्नों का मसौदा है, ये ड्राफ्ट ला रहे हैं या ये विधेयक ला रहे हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं और हम पूरी तैयारी भी है, लेकिन मेरा कहना है, कांग्रेस का कहना है, विधानमंडल दल का कहना है कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा के लिए हमारे पास पर्याप्त समय माननीय विधायक को, विपक्ष को, सभी विधायकों को मिलना चाहिए, जिससे कि हम उसका अध्ययन कर सकें, उसको हम पढ़ सकें। इसको पारित करवाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, और नियम परंपराएं, संसदीय विधि विधान किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि कार्य मंत्रण समिति से कांग्रेस के दोनों सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा इसका पालन करना है। अनुपम, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव मौजूद है। अनुपम, कुछ पल का इंतजार और फिर उसके बाद ये ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, क्योंकि आंकड़े तो पक्ष में है बीजेपी सरकार के, ऐसे में आज ही ये बिल विधानसभा से पास भी हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो आज का हाउस का बिजनेस है उसके हिसाब से तो आज ही इसको टेबल किया जा रहा है और आज शाम ही पास हो जाएगा। इसी को लेकर विपक्ष की आपत्ति भी है। आपने देखा कि कांग्रेस है, बसपा के एमएलए, उनका कहना था भाई इसमें टाइम मिलना चाहिए, हमने तो अभी देखा भी नहीं बिल कैसे है, उसमें बोले क्या, तो ये इनका पॉइंट है। लेकिन खास बात यह है कि देखिए, अपोजिशन चाहे वो बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब यूसीसी की कमेटी अपने अलग अलग जगह इनपुट ले रही थी
तो इन दोनों पार्टियों की तरफ से कोई फॉर्मल इनपुट नहीं दिया गया यूसीसी कमेटी को, और अब जब ये विधानसभा में बिल आया है तो पार्टियों ने अपना स्टैंड बदला है। कांग्रेस से जब आज सुबह बात कही कांग्रेस एमएलए से, उनका कहना था हम यूसीसी के विरोध में नहीं है, तो ये एक बड़ा स्टैंड है कांग्रेस का, उनका कहना था हम विरोध में नहीं है, हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि हमें टाइम मिलना चाहिए था। तो इन सब के बीच में मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर गए, सदन के अंदर गए हैं, वहां भी चर्चा चल रही है, उसे टेबल किया जाएगा और जैसे कि उम्मीद है बिजनेस के हिसाब से आज देर शाम तक इसको पास भी कर दिया जाएगा। जी तो अनुपम, हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए, अनुपम यहाँ पर विपक्ष कह रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले भी हरीश रावत को सुना था, वो कह रहे थे कि ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पूरे देश में एक समान होना चाहिए, ये तो मात्र एक राज्य में हो रहा है, बाकी का क्या? जी बिल्कुल, देखिए वो हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बात कही है, क्योंकि हमें भी पता है कि अलग अलग एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं यूसीसी को लेके, वहां भी पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं और वो एक जो कमेटी है वो अलग अलग उसमें वो इनपुट ले रही है, अलग अलग लोगों से इनपुट ले रही है, जो स्टेक होल्डर्स उनसे इनपुट ले रही है, क्योंकि अभी केंद्र का कानून नहीं आया है, केंद्र का कानून आ जाएगा तो वो हर राज्य पे एक तरीके से लागू होगा, और जब तक केंद्र का नहीं आया है तब तक राज्य सरकार फिलहाल अपनी अपनी तरफ से कदम उठा रही है। उत्तराखंड ने जरूर इसमें एक पहल की है, इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात ने भी जैसा उनका पोल प्रॉमिस था उसके हिसाब से इस दिशा में काम करना शुरू करा है। तो उत्तराखंड आप कह सकते हैं एक तरीके की सियासी लेबोरेटरी है बीजेपी के लिए, और यहां पर जिस तरीके का रिएक्शन फीडबैक आएगा उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बाकी बीजेपी रूल स्टेट में भी कदम उठाए जाएंगे। जी अनुपम, जरा आप डेट भी बता दें, क्या पुष्कर सिंह धामी क्या विधानसभा पहुंच चुके हैं, कितनी देर में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा, इससे लेकर क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पर विपक्ष के हल्ले गुल्ले के बीच, क्योंकि विपक्ष पूरी गैलरी में बैठी हुई, विपक्ष का है तो बेसिकली वो कांग्रेस के विधायक है, 19 कांग्रेस के विधायक हैं जो विधानसभा की गैलरी में बैठे हुए विरोध कर रहे हैं, इसके बीच ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन के अंदर चले गए, वहां वो अपनी बात अभी रख रहे हैं, चूंकि सदन की कार्रवाई लाइव नहीं हो रही इसलिए पता नहीं लग पा रहा, तो ये थोड़ी देर में बिल अभी सदन के पटल पे रखा जा रहा है, उसके बाद इस पे चर्चा होगी, चर्चा के हाउस अडजर्न होगा या चर्चा होगी थोड़ा देखना जरूरी होगा, क्योंकि विपक्ष वहां है नहीं, तो इस सबके बीच में इसमें अभी बिजनेस आगे को चलेगा, और जैसे मैंने कहा देर शाम तक इसके आज ही पास कर देने की संभावना है जो बिजनेस आया है विधानसभा का उसके हिसाब से। जी आज विधानसभा पे सबकी निगाहें रहने वाली है, देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं अनुपम उन सबकी निगाह रहने वाली है, क्योंकि भले ही उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा हो लेकिन इसकी आज वहां तक सीमित नहीं होंगी, जो देश की राजनीति करते हैं वो भी इस मसले पर बोलेंगे, लेकिन सब कुछ होगा ड्राफ्ट आने के बाद। कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि ड्राफ्ट में है क्या क्या बातें, क्योंकि जनजातियों को कहा गया है कि अभी अलग रखा गया है उनके